खुले आंख, आंख खोल कर देखते रहो और उसका अनुभव हमने लिया है, हमारी पार्टी ने लिया है, शरद पवार साहब ने लिया है। एक संविधान के खिलाफ बनी हुई सरकार महाराष्ट्र में सर्वोच्च न्यायालय से, सर्वोच्च न्यायालय ने आग पर पट्टी बांधकर ये सरकार चलाई। दो साल तक तारीख पे तारीख निर्णय नहीं दिया। ऐसे बहुत से निर्णय है जो संविधान के हिसाब से होने चाहिए थे। संविधान की हत्या तो यहां इस देश में दर दिन होती है। अब न्याय देवता के हाथ में आप संविधान की किताब देकर आप आरएसएस का एजेंडा चला रहे हो, क्योंकि उनको एक प्रचार करना है। ये प्रचार है, ये प्रोपोगंडा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में संविधान खतरे में का जो नारा गुंजा और घर घर तक गया, तो ये जो आप किसी ने निर्णय लिया है, ये बीजेपी का और आरएसएस का प्रचार करने की ये एक बहुत बड़ी कोशिश है। जो परंपरा चलती आई है कि हमारे न्याय देवता सभी को, उसके हाथ में एक तराजू होता है और पट्टी बांधी, मैं देखूंगा नहीं कौन छोटा है कौन बड़ा है, सबको समान न्याय होगा, न्याय का तराजू समान होगा। लेकिन हुआ है क्या 10 साल में? ये नहीं हुआ है और हम उसके सबसे बड़े विक्टिम हैं। मैं आदरणीय सर न्यायाधीश जी, मैं लॉर्ड्स के ये पूछूंगा कि महाराष्ट्र की विधानसभा खत्म हो गई, भंग हो गई, लेकिन आपने 40-40 जो ऐसे विधायक है जिसने 10th शेड्यूल का भंग किया संविधान के, उसके ऊपर आप निर्णय नहीं ले सके, तो कौन सा संविधान है? आपके लाइब्रेरी में संविधान वाली आप एक मूर्ति रखेंगे, आप उसे क्या होगा? देश की जनता ने सब कुछ देख लिया है। आपने हमारी पार्टी किसकी है, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस, और चिन्ह किसका, उस बारे में निर्णय नहीं दिया है। क्योंकि संविधान जो है, संविधान कहता है और कानून ये कहता है कि अगर 40 लोगों का डिस्क्वालिफिकेशन होता है तो निर्णय अलग हो जाता है। और आपने इस बारे में पहले स्ट्रिक्चर पास किए हैं कि ये गलत हुआ है महाराष्ट्र में। ऐसे बहुत से संविधान के खिलाफ जो काम हुए हैं हमारे न्याय क्षेत्र में, उसके बारे में हम बोल सकते हैं। तो ये जो आप संविधान मूर्ति के हाथ में आपने दिया है, आप संविधान बचाने का प्रोपोगंडा कर रहे हैं, लेकिन इस देश में ऑलरेडी संविधान को खत्म कर दिया है, संविधान की हत्या दर दिन हो रही है। सर, मोदी के जो किंग मेकर है नायडू जी, उनको ईडी की तरफ से क्लीन चिट मिल गई है, किस तरीके से देखते हैं? हाँ, अभी संविधान आया है न्याय देवता के हाथ में, तो ऐसे निकाल तो देते रहेंगे। 372 करोड़ का घोटाला है, 372 करोड़ का, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का 372 करोड़ का घोटाला। लगभग 2 महीने तक नायडू जी जेल में रहे, उनकी 32 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्ग की जब्त की। लेकिन जब नायडू जी को 16-17 उनके एमपी चुन कर आए और मोदी जी को एक सपोर्ट दिया, तो आप नायडू जी को भी वॉशिंग मशीन में डालकर उनको क्लीन कर दिया, क्लीन चिट दे दिया है। ये संविधान हमारा है, आज का संविधान है, हमारा संविधान नहीं है, ये उनका संविधान है, ये उनका कानून अलग है। अब ये और कोई होगा तो ईडी वाले सीबीआई वाले पकड़ पकड़ कर मोदी जी के पास लेके जाएंगे, मोदी जी मशीन में डाल देंगे, क्लीन होकर बाहर आ जाएंगे। देश देख रहा है, इस देश के जनता ने भी अपने आग पर पट्टी नहीं बांधी है, वो तो पहले से खुला है। आपने अभी न्याय देवता की पट्टी खुली है आग से, आपने न्याय देवता के हाथ से तलवार निकाल दी है, लेकिन ये तलवार जनता के हाथ में है अभी भी। हाँ बोलिए। दोबारा जो चुनाव हुए, ईवीएम में गड़बड़ी जो है,
याचिका में लिखा गया कि ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से, अगर एविडेंस सामने आए हैं उस बारे में, बार बार सामने आते हैं, लोकसभा में भी हो गया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया? जो आप संविधान के रक्षक बनकर सामने आए हैं रिटायरमेंट के, लगभग अब रिटायरमेंट होने वाली है मुख्य न्यायाधीश साहब की, लेकिन ईवीएम के बारे में आपने निर्णय नहीं लिया। ये देश के करोड़ों जनता का ईवीएम के ऊपर विश्वास नहीं है। संविधान कहता है जो लोगों का बहुमत है आप उसके साथ न्याय करना चाहिए। अगर एक देश की जनता चाहती है कि ईवीएम पे वोट नहीं होना चाहिए, पूरे विश्व में ईवीएम निकाल दिया है, लेकिन हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने ईवीएम को भी क्लीन चिट दी, ये संविधान के खिलाफ है मैं मानता हूँ। और हरियाणा में तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया, 0.6% हरियाणा में डिफरेंस कितना है वोटों में आपको मालूम है ना, 0.6, कांग्रेस और बीजेपी में 0.6% का डिफरेंस है, और 0.6% में आपको 30 सीट का कैसा फायदा हो सकता है? ये पूरा गणित कांग्रेस के दिग्गज लोगों ने जनता के सामने रखा है, और मुझे लगता है, मैंने भी जब देखा तो मुझे भी आश्चर्य हुआ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि न्यायालय में इस बारे में कोई निर्णय होगा या न्याय होगा, क्योंकि हमने देखा है महाराष्ट्र के बारे में कोई न्याय नहीं होता है। देखिए लगभग आज की हमारी आखिरी बैठक हो सकती है, आज के बाद बैठक नहीं हो सकती शायद, क्योंकि आज हमको पूरा जो विषय है सीट से बंटवारे का वो खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव की घोषणा हुई। मराठी बोला है कि न्यायदेवतेच्या मूर्तीच्या रचनेत बदल करण्यात येणार आहे अशी माहिती समोर येते। त्यात डोळ्यावरची जी पट्टी आणि हातातला तराजू, डोळ्यावरची पट्टी जी काय आता संविधानाचा हातातून तलवार, न्यायदेवतेच्या हातातून तलवार काढली, आम्ही वर्षानुवर्ष ती पाहतो, हातात तलवार आहे, अन्याय करणाऱ्याचं मुंडकं उडवून टाकू, बलात्कार करणाऱ्यांचं, भ्रष्टाचार करणाऱ्यांचं, भ्रष्टाचारांना वॉशिंग मशीन मध्ये टाकणाऱ्यांचं मुंडकं उडवू, अशी ती रचना आहे। आणि डोळ्याला पट्टी यासाठी आहे की माझ्यासमोर किती मोठी व्यक्ती असू द्या, मी ती व्यक्ती किती मोठी आहे, किती पदसिद्ध आहे, किती श्रीमंत आहे, किती शक्तिमान आहे, ते पाहून मी न्याय करणार नाही। न्याय सगळ्यांसाठी समान आहे, हा तराजू आहे न्यायाचा। पण या देशात गेल्या 10 वर्षांमध्ये असा न्याय झाल्याचं मी पाहिलं नाही, संविधानाचं रक्षण झाल्याचं आम्ही पाहिलं नाही। त्यासाठी लोकसभेमध्ये संविधान खतरमेचा नारा आम्हाला द्यावा लागला। या देशातलं संविधान बदलायची संपूर्ण कारस्थान रचण्यात आलं होतं, आणि या देशाच्या जनतेनं संविधान वाचवण्यासाठी मोदींचं बहुमतच काढून टाकलं। हा जो काही विषय आहे यातून मार्ग काढण्यासाठी आणि लोकांच्या मनातली ती जी भावना आहे संविधानासंदर्भात ती पुसून काढण्यासाठी न्यायालयाच्या काही लोकांनी भारतीय जनता पक्षाला मदत करण्याचं ठरवलेलं दिसत आहे। तसं नसतं तर अचानक डोळ्यावरची पट्टी काढून आता उघड्या डोळ्यांना भ्रष्टाचार पहा, उघड्या डोळ्यांना खून बलात्कार, उघड्या डोळ्यांना आता सध्या तसंच पाहिलं जात आहे। मोदीजी तेच करतायत, अमित शहा तेच करतायत, फडणवीस एकनाथ शिंदे तेच करतायत, उघड्या डोळ्यानं सगळं करतायत आणि करायला लावतायत, त्याच्यामुळे त्यांनी न्यायदेवतेच्या डोळ्यावरची पट्टी काढली, हातातली तलवारी काढून टाकली, संविधान दिलं हातात। पण संविधानाचं रक्षण किंवा संविधानानुसार काम होतंय का? आम्ही सगळ्यात जास्त त्याच्यामधले ज्याला व्हिक्टीम म्हणता ते आहोत। गेल्या 2.5 वर्षापासून या राज्यामध्ये संविधानाच्या विरोधी चाललेले सरकार आहे महाराष्ट्रासारख्या राज्यामध्ये, आणि ते घटनाबाह्य सरकार रोज भ्रष्टाचार करत आहे, रोज अत्याचार करत आहे, आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी त्याच्यावरती कोणताही निर्णय घेण्यास हतबलता दाखवली। तुम्ही संविधानाचे रक्षक आहात ना, तुम्ही त्या पुतळ्याच्या हातामध्ये का संविधानाचं पुस्तक देताय? तुमच्या समोर तर पुस्तक फडफडत आहे हो संविधानाचं। शिवसेना कोणाची, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष कोणाचा हे स्पष्ट असताना तुम्ही निर्णय देऊ शकला नाही, कारण मोदी आणि शहांची तशी इच्छा नव्हती। मी संविधानावरती कोणीतरी पाय ठेवलेला आहे तुमच्या समोरच्या, तेव्हा त्या पुतळीच्या हातामध्ये तुम्ही जे नाटक करताय हा भारतीय जनता पक्षाचा अजेंडा आहे, हा आरएसएसचा अजेंडा आहे जो तुम्ही राबवताय, हा तुम्ही प्रचार करताय एका पक्षाचा, हे मी स्पष्टपणे सांगतो आहे।
तुम्ही आधी संविधानाचं रक्षक म्हणून काम करा, जे तुम्ही करत नाही आहात। ईव्हीएमच्या संदर्भात या देशाच्या जनतेची इच्छा आहे, लोकभावना आहे, ईव्हीएम मध्ये घोटाळा होतोय, पण तुम्ही ईव्हीएमला क्लीन चीट दिलेली आहे। तुम्ही या देशामध्ये संविधानाचा गैरवापर करून, कायद्याचा गैरवापर करून लोकशाहीतल्या विरोधी पक्षाला खतम केलं जात आहे, आणि तुम्ही डोळे उघडून बघताय।